बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हाइल। कहता है कि वाई की कीमत मालूम करें जबकि 2/3 रेशो 1/4 बराबर है वाई रेशो 1/6, सॉरी 1/16। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के मेथड से इसे हल करना है। दरमियान वाली दो रकमें जो हैं ये मीन कहलाती हैं और बाहर वाली दो जो हैं ये एक्सट्रीम कहलाती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, यानी दरमियान वाली दो रकमें जो हैं इनका हासिल ज़रब बराबर होता है जो अतराफ़ वाली तरफ़ैन वाली दो रकमें हैं उनके हासिले ज़रब के। तो ये वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, यानी वाई मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/16। तो जब दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए और फ्रैक्शन हो तो हम ऊपर वाली रकमों को नीचे वालों के साथ काट सकते हैं, जिस तरह 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16। अब जब मजीद ना कटें रकमें तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को आपस में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़र 1, 3 8 ज़र 24। अब ये 1/4 जो है ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई को यहीं पे रहने दें क्योंकि हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसे हम अकेला छोड़ेंगे। वाई के साथ जो दूसरी रकम है 1/4 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, बराबर से इधर ले आएंगे तो क्या होगी, डिवाइड, यानी 1/24। उसी तरह अपनी जगह पर लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है बराबर से इधर आएगी तो डिवाइड होगी, यानी डिवाइडेड बाई 1/4, तो 1/24 उसी तरह लिखेंगे। तकसीम को हम ज़रब में चेंज करेंगे तो तकसीम ज़रब का उलट है, तो इसके बाद वाली जो रकम है वो भी उलट जाएगी, यानी 4 को हम ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगी 4/1। अब बीच में दोबारा मल्टीप्लाई आया हुआ है तो नीचे वालों को ऊपर वालों के साथ हम काट सकते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को आपस में, 1 1 ज़र 1 आता है और 6 1 ज़र 6, यानी वाई इज इक्वल टू 1/6 आ गया। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/6। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासिन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।